ये शूज़ हैं भाई 95,500। हाँ भाई, कौन है भाई? और इसी की वजह से जो ना हम सारा मज करें, नाइजीरियन म्यूजिक इज लव, जो लिटरली तो नाइजीरियन म्यूजिक इज लव। तो दिस इज माई बॉय। कौन भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप अबाउट टू नाइजीरिया? इट्स अ लवली प्लेस टू बी। खलास, दिस इज वन आई लव्ड, बट द प्राइस इज लुक 86,900। सो हाँ भाई, और बताओ कैसे हो, पाकिस्तानी हो? सो ये शायर रूम तो बड़ा अच्छा भाई इसका। चेक दिस टी शर्ट इज अबाउट 38,300। ओके, लेट मी जस्ट चेक द प्राइस। 42,950। ओ माई गॉड, लुक एट द वेदर, आई वॉन्ट शो द वेदर। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, टुडे एक अनदर सीन बना है, और जिस तरह हमारे पास आप मौसम देख रहे हो, पहले तो मौसम लैगोस का मौसम, ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। और आज का प्लान था ऐसे ही बस सोके उठे थे थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा कि यार कुछ करने का प्लान है, कुछ लेकर आएँ। तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए ना हमें दूर आना पड़ता है, और हफ्ते की शॉपिंग एक साथ करनी पड़ती है सम टाइम। लेकिन आज का एकदम सडन प्लान बना है शॉप राइड का, जैसे हमारे पास इम्तियाज़ होते हैं और दूसरे स्टोर बने हुए, यहाँ पर शॉप राइड है। सो मौसम को इन्जॉय करते करते मैंने सोचा कि यार मैं अपना शॉप राइड भी दिखाऊँ अपनी आवाम को, अपनी ऑडियंस को, कि शॉप राइड भी दिखाऊँ शॉप राइड ऐसा। लेकिन मौसम इतना सीन हो गया कि मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं मज़ीद कुछ बातें करूँ, शॉप राइड दिखाता हूँ, और शॉप राइड के बाद फिर मैं आपको कुछ मज़े कर। हाँ, दिस इज़ शॉप राइड, और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ये कुछ एक्सट्रीम, कुछ लॉन्ग्स क्लब वगैरह है, और ये लेगो से स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट। सो इसके साथ ही बिल्कुल जो है वो लेकी KFC की कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, KFC भी खा सकते हो, और KFC भी यहाँ पर वैसा ही है। आपको लेकिन चिकन के बारे में मैंने बताया था कि चिकन का कुछ अलग ही इन्वायरमेंट है। सो अभी जाते हैं और अंदर शॉप राइट। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा सम टाइम क्या होता है कि दूसरे लोग जब वीडियो में आ रहे होते हैं तो मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ उसको, कोशिश करता हूँ, तो इसलिए मैं प्लान करता हूँ कि ना बनाऊँ। तो अभी शॉप राइट के अंदर जा रहे हैं, मैं आपको अंदर की वीडियो दिखाऊँगा अब इसके बाद। ये इनसाइड द शॉप राइट, और भाई ये जो है ना क्लिप्टन से भी ज़्यादा महंगा है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगा यहाँ पर, और शूज़ वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन क्लिप्टन से भी महंगा है। और अकेले घूम घूम कर हम थक जाते हैं मोस्टली, बट लेट्स सी। मैं कुछ प्राइस टैग्स दिखाऊंगा अभी अंदर जाके, और फिलहाल बस मार्केट एंजॉय करें। शॉप से पहले मैंने सोचा कि पहले जो नॉर्मल शॉपिंग वाली जगह है ना, पहले वो दिखाऊं, और उसके बाद जो है वो, तो ये है छोटा सा स्टोर, पहले स्टोर देखते हैं और फिर आपको मैं साथ साथ टैग भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर जो जिस तरह के टैग वगैरह लगे हैं ना वो। और भाई ये गंदे बच्चों के लिए, अगर गंदे बच्चों को चाहिए तो यहाँ पर सब कुछ आम है, ये गंदे बच्चों के लिए पूरा स्टोर यहाँ पर। इफ़ एनी बंदा, एनी गंदा बच्चा अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए यही है लेजेंड्स, लेजेंड ये आपके लिए भी है एक्स्ट्रा स्टडी। सो ये कुछ स्टोर्स हैं इसका, वही हमारा इम्तियाज़ वाला है सिलसिला है, लेकिन ये वाला चक्कर तो नहीं होता हमारे इम्तियाज़ के अंदर। लेकिन आप प्राइस चेक करो, अगर आपको प्राइस टैग नज़र आ रही है तो 26,999, सिंपल वर्ड। बट हम भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने के लिए, किस किस चीज़ को मैं कैप्चर करूँगा ये तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे इनके सी फूड्स या इनके मीट किस तरह से मिलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो किस तरह से इन्होंने एक सेपरेट चीज़ें रखी हुई, और खाना तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं खा सकते ये तो मैंने वीडियोज़ में भी सुना और मैंने देखा भी, खाना तो यहाँ पर इनका तो खाना नहीं खा सकते, ये तो तय है इनका खाना नहीं खा सकते। बट लेकिन ये कि मैं जिस तरह से यहाँ पर गोश्त बिक रहा है और क्या प्राइस है वो दिखाता हूँ, ये इस तरह से कीमे में बना के रखा हुआ है इन्होंने, और ये चिकन। अच्छा सर, थिंग क्या है, मैं क्यों चिकन नहीं खाने को प्रेफर करता हूँ, ये खाल के साथ खाते हैं यार, तो इस वजह से ना खाल के साथ चिकन खाते हैं। ये देख रहे आपको नज़र आ रही है, खाल नहीं उतारते, और इतनी बद दिली से जो है ना, वो एक दफ़ा चिकन मैंने ख़रीदी लाइव वाली,
वो, और ये देखें ये खाल खाते हैं यार, ये देखो, ये देखो नजर आ रही है, ये चीज़ें खाते हैं ना, इस वजह से हम इनका खाना खा नहीं सकते। जैसे सिंह ये देख रहे हैं, ये खाल है सारी, और ये इस वजह से ना अब मैं ज़्यादा गोश्त नहीं दिखाऊंगा ना, मुझे तो टेंशन हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा गोश्त नहीं दिखाऊंगा। इस तरह से लोग खाना खा रहे होते हैं, इनका खाना नहीं खा सकते। और ये जो ना इनके फूड, इस तरह के फूड होते हैं इनके। और मैं अगर कुछ खाया ना, बस सिर्फ फ्राइड राइस, इसके अलावा मैंने इसका नाइजीरिया कुछ भी नहीं खाया। ये देखें मुर्गी कितनी ख़तरनाक लग रही है भाई। ये चीज़ें खाना इनका इस वजह से नहीं खा सकते, ये इनका बेस्ट फूड है। बेस्ट मतलब ये अच्छे शॉप राइट के अंदर बिकने वाला फूड है, तो ये बेस्ट है। और बाकी कुछ बेकर्स आइटम है, ये इनका बहुत, ये बहुत ही, ये बड़ा फेमस है यहाँ पर, तो बेकिंग आइटम में इनके ये बस कुछ चीज़ें हैं। केक्स वगैरह यहाँ उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, बस ठीक है, गुजारा है। तो बाकी प्राइजेस भाई, जिस मुल्क में रहते हो ना, पाकिस्तान भाई, वेरी वेरी गुड। छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर, छोटी 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 चीज़ें हैं जो लाइक 3 1 3 4 9 ऑल्टीन माइलो। सो होप यू गाइस एंजॉइंग। मैं इसको अगर 2 घंटे भी घुमाता हूँ तो स्कोर बहुत बड़ा है, और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, और जैसे जो चीज़ हमें चाहिए एटलीस्ट ऑलमोस्ट चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन पाकिस्तानी नहीं, इंडियन बहुत कम यहाँ पे। सिर्फ अगर हम आते हैं मोस्टली तो शान मसाला लेने आते हैं, फ्रूट यहाँ ओपन बिल्कुल खुला खुला बिक रहा होता है फ्रूट, तो इसलिए बस। और क्या दिखाऊँ, ये चीज़ फ्रूट यहाँ इस तरह बिक रहा होता है बिल्कुल ओपन रख के, और इट्स वेरी वेरी समटाइम इट्स वेरी एक्सपेंसिव, समटाइम इट्स जस्ट ओके। सो दिस इज़ द थिंग व्हाट हैपेंड। तो ये बंदा है जिसकी वजह से जो ना शॉपराइट आ जाना पड़ा, और इसी की वजह से जो ना हम सारा मज करें। नाइजीरियन म्यूजिक इज लव, जो लिटरली नाइजीरियन म्यूजिक इज लव, तो दिस इज माई बॉय। और इनकी वजह से आज हमें शॉपराइट आना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, फ्रूट भी लेना था और सब्जियां भी लेनी थी। बताया मैंने 1 वीक की शॉपिंग एक साथ होती है यहाँ पर, दिस इज द थिंग। कौन भाई कुछ कहना चाहेंगे आप अबाउट नाइजीरिया? इट्स अ लवली प्लेस टू बी। सो भाई शॉपराइट से जो अभी अंदर का सामान था वो तो ले लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो यहाँ पर आप लोग बोलते हो ना कि पाकिस्तान पाकिस्तान भाई, यहाँ बहुत महंगाई है हद से ज़्यादा। देखोगे ना, मैं प्राइस टैग दिखाता हूँ, टी शर्ट्स जूम कर नज़र आए। आई एम टेलिंग यू अबाउट टू द प्राइजेस ना, तो जस्ट आई एम जस्ट शोइंग द प्राइजेस, वेट जस्ट लुक, दीज आर द टी शर्ट्स देयर, जस्ट सिंपल पूमा, तुम लुंडा से भी खरीद सकते हो गरीब हो, लेकिन सिलसिला क्या है, लुक द टैग इज 26,700 की ये शर्ट है, और ये देखो अपना अल्लाह आपको भला करे भाई, वैसे प्राइजेस पोमा पे प्राइस नहीं लिखे हुए, दीज आर द टी शर्ट्स। और ये चड्डे चेक करो भाई, चड्डे, आई एम सॉरी टू दिस लैंग्वेज बट यही करना पड़ता भाई। प्राइस टैग्स चेक करें भाई, डोंट नो द प्राइजेस, इस पर मेंशन नहीं है, आई थिंक इस पर मैंशन है। ओ भाई क्या करेंगे हम, कैसे खरीदेंगे हम यहाँ पे, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस की चेक, दिस टी शर्ट इज़ अबाउट 38,300, दिस इज़ जस्ट अ टी शर्ट, एंड लॉट्स ऑफ थिंग इज़ देयर, कैप्स, बॉटल, ये बॉटल मैंने परचेज़ की थी, मेरे पास ये बॉटल है, लास्ट टाइम मैंने ली थी पोमा की, तो 20,700 की बॉटल है भाई, ये पानी की बॉटल 20,700, और ये पोमा के कैप्स और ये सब इतना महंगा है ना, तुम लोग बोलते हो ना, ये वॉलेट देख लो BMW, छोटे छोटे से बैग्स 31,400, माय गॉड दिस बैग। सो ये बैग आप खरीदेंगे 31,400 का, तो बाकी नाइजीरियन अलग अलग चीज़ें हैं बहुत। शूज़ देखते हैं, शूज़ कहने में एक दिस वीडियो वे ना ना ना। सो भाई ये शूज़ हैं भाई 95,500। हाँ भाई कौन है भाई, दिस इज वन आई लव्ड बट द प्राइस इज लुक 86,900। सो हाँ भाई और बताओ कैसे हो पाकिस्तानी हो। सो ये है भाई प्राइस लिस्ट यहाँ पर, ये नॉर्मल से शूज़ भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, और
ये है ट्रायल रूम, ये बड़ा सा अच्छा था भाई ट्रायल रूम तो, ट्रायल रूम तो बड़ा अच्छा भाई इसका। एनीवे लेट्स सी, आगे चलते हैं। ये देखो भाई सिंपल सिंपल से, ये देखो ये एक छोटा सा, ये देखो पुमा इनर 21000, व्हाट इज दिस, दिस इज द बैंड, द पुमा बैंड, हाउ मच इज दिस, 13900, दिस इज द बैंड, जस्ट यू कैन वेयर ऑन योर हेड, सिंपल हाँ एक हाथ तो लेना पड़ेगा। और दिस इज मी, ओह माय गॉड। सो ये जो है ना वो किधर है, वो हाउ मच, छोटे बच्चों के लिए दिस वन, दिस इज जस्ट अ फ्रॉक, ओके लेट मी जस्ट चेक द प्राइस, 42,950 ओनली द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पार्टी। और लुक दिस इज द स्मॉल टी शर्ट, हाउ मच द प्राइस इज, 15,950 भाई ये देखो, ओके नाउ लेट्स सी और क्या क्या खरीदोगे तुम लोग, बोलते हो ना महंगाई महंगाई महंगाई, ये है महंगाई, इसे कहते हैं महंगाई, खरीदो ये इतना सा, देखो ये लग तो रहा है अच्छा, क्यूट तो है बच्चों के लिए, बट द प्राइस इज 51,950, 51, ये देखो 50,000 का, खरीदोगे बाबा, ये सीन है बस। एनीवे लेट्स गो, चीज़ें अच्छी हैं बट हम इसको ले नहीं। तो बस अभी हम चल रहे हैं वापसी की जाने, ग्लासेस भी देख लेते हैं, चलो एक आध प्राइस पूछते हैं ग्राफिक्स से। वेलकम वेलकम वेलकम, ये है भाई ग्लासेस इनके, ज़रा एक हाथ के तो प्राइस देख लें भाई क्या प्राइस है, 23,000। हाँ भाई लड़कियों ये है नाइजीरियन, प्योर प्योर नाइजीरियन ग्लासेस, तो 23,000। सो ये थी मार्केट, मैं अगर शाम तक भी घुमाऊंगा तो भाई हम घूमते ही रहेंगे, लेकिन सिलसिला ये है कि अभी हमें बस हमारा काम हो गए सारी चीज़ें, तो हम निकलते हैं यहाँ से। और उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया होगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की थी लेकिन बस मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा उलाला, सो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया। ये देख रहे आप नाइजीरियन ड्रेस, ये है प्योर नाइजीरियन, आइज़ेक दिस इज, ओके से समथिंग अबाउट टू नाइजीरिया, this is the Nigerian language, the language is very very different, okay. Yeah, say something, anything what you want to say about to the Nigeria, about to the Lagos, anything. Nigeria is very good, no matter, all the Pakistani people are just watching you. Yes. Nigeria is very good, no matter how the situation is, we are still managing it, okay. Cannot run away. Do you understand? Yeah, you cannot understand, so just I'm telling you, he said Nigeria is still in process, we are still trying to manage the Nigeria. Second thing is that yahan par aap kisi se bhi kabhi bhi khade ho ke kahin bhi baat kar sakte ho, koi इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी किसी से भी करोगे बात करो। ओ माय गॉड लुक एट द वेदर, आई वांट टू शो द वेदर, अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब वेदर इतना ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है वेदर, दिखा लुक एट द वेदर, ओके ओके थैंक यू भाई, बस फॉलो 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 वेदर चेक करना, सो अगर वेदर देख रहे हो तो लुक इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, इट्स वेरी गुड वेदर। सो अब प्लान ये है कि भाई इस वेदर में तो कौन यहाँ पे स्टे करेगा मज़ीद, तो अब हम प्लान ये कर रहे हैं कि शॉप राइट, हमने जो शॉपिंग वगैरह करनी थी हमने कर ली है,